आप सबको गोपाल लाजू का नमन। शाबर मंत्रों के विषय में जरूर सुना होगा, जो तंत्र शास्त्र से जुड़े हुए हैं, जो इस विधा से परिचित हैं, उनकी बात तो अलग है, मगर जो इस विधा से बिल्कुल अज्ञान है, उनके लिए बिल्कुल अटपटा सा लगेगा, बिल्कुल विचित्र, अचंभव, सुपरस्टिशियस। एक दो मंत्र मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको, एंजॉय कीजिए आप। मखनो हाथी जर्व अंबारी, उस पर बैठी कमाल खां की सवारी, कमाल खां मुगल पठान, बैठे चबूतरे पढ़े कुरान, हजार काम दुनिया का करे, जो एक काम मेरा कर न करे, तो 3,33,000 पैगंबरों की दुहाई। एक मंत्र। दूसरा मंत्र, ओम गौरी आवे शिव भी आवे, शिवजी ब्याहे अमुक का विवाह करावे, शीघ्र करावे, जो देर करे तो शिव का क्रोध होवे, तुझे गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ओम नमो आदेश गुरु को, धरती में बैठा लोहे का पिंड, राख लगाता गुरु गोरखनाथ, आवना जावना धावना हाक देत, धार धार मार शब्द साचा, पिंड कांचा पूर्व मंत्र ईश्वरी वाचा। ये क्या मंत्र हैं जिसमें ना व्याकरण है, ना लय है, ना ताल है, जिनका ना कोई अर्थ है, देहाती भाषा, ठेठ देहाती भाषा। विस्तृत ज्ञान में जाएंगे तो क्षेत्रीय भाषा मिलेंगी, इसमें प्रोविंशियल लैंग्वेजेस में मंत्र मिलेंगे आपको। इन मंत्रों में एक चीज विशेष रूप से पाएंगे, आदेश और एक बल, और वो ऐसा बल कि जो आदेशात्मक है, यानी कि देवी देवताओं को जिसमें के आदेश दिए गए। मंत्रों में अगर जाएंगे, भैरव के मंत्रों में, शाबर मंत्रों में विभिन्न देवी देवताओं को आदेश दिए गए हैं, उनका वर्णन किया गया है। दुर्गा का वर्णन है, काली का वर्णन है, गणेश जी का वर्णन है, शिव जी का वर्णन है, सुलेमान का वर्णन है। एक इस तरह समझें इसको कि जैसे पहले गांव में एक देहाती भाषा में हम लोग भी सभ्य समाज में भी शपथ दिलाते थे, कसम दिलाते थे, सौगंध दिलाते थे, तुझे राम जी की सौगंध, तुझे हनुमान जी की सौगंध, तुझे तेरा इसका वास्ता, तुझे तेरा फला का वास्ता। ये शपथ का रूप ही ये शाबर मंत्र है और आदेशात्मक है, इनमें बल प्रयोग किया गया है। हम इनको नहीं मानते, बिल्कुल हम इसको सुपरस्टिशियस मानते हैं, मगर अगर आप थोड़ा सा भी मानस में विश्वास करते हैं, रामचरित मानस को हर सनातनी मानेगा, हर हिंदू धर्म वाला इसको स्वीकार करेगा, उनके एक एक शब्द को नकारा नहीं जा सकता, उनको हमें मानना पड़ेगा, मानते हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़ा अच्छा सोट है, कलि विलोक जग हित हर गिरजा, शाबर मंत्र जाल जिहि सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है इसमें कि जब माँ गिरजा ने संताप देखा कलिकाल में लोगों को, उनको त्रस्त होते हुए देखा दुखों से, कष्टों से, तब शिव से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, इनके कष्टों के निवारण के लिए कुछ आप दें। तब शिव के शिरमुख से शाबर मंत्रों का प्राकट्य हुआ और तदांतर में इसको फिर नाथ संप्रदाय में गुरु गोरखनाथ, मच्छिन्द्रनाथ और नाथ संतों ने इस
को आगे चलन में किया, इसको इसको प्रचलित किया। मगर दुर्भाग्य यहां रहा कि और जैसे और योग है, तंत्र है, चिकित्सा शास्त्र है, या और कोई भी शास्त्र है, कोई भी विधा है, कोई भी विज्ञान है, उसमें एक दो नहीं सैकड़ों हजारों ग्रंथ भरे हुए हैं। शाबर मंत्रों का सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि इसमें कोई शाश्वत ग्रंथ नहीं मिला, इसमें कोई ऑथेंटिक साहित्य उपलब्ध नहीं हुआ। टूटी फूटी भाषा में दो शब्द यहाँ मिल गए, चार शब्द वहाँ मिल गए। इसीलिए पत्र पत्रिकाओं से पढ़ के, किताबों से पढ़ के, इधर उधर के साहित्य से देख के इनमें पूर्णता नहीं प्राप्त की जा सकती, इनमें ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसके लिए सच्चे और निस्वार्थ गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। उसके सानिध्य में बैठ के ही ये मंत्र प्रभावशाली सिद्ध होंगे। ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना अनुभूत है। ये मंत्रों में देखा होगा कोई व्याकरण नहीं है, कोई इसमें कोई विशेष इसमें नियम नहीं है, यम नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। जैसे अन्य मंत्रों में हम देखते हैं उसमें विनियोग है, उसमें न्यास है, उसमें हवन है, उसमें मार्जन है, उसमें तर्पण है। ये बंधन इन मंत्रों में कहीं नहीं है। बस मात्र एक चीज जरूर सामने आती है कि मंत्र कंठस्थ करना कठिन है, क्योंकि इनके शब्द बड़े विचित्र हैं और इनमें शपथ दिलाई गई है, इनमें सौगंध दिलाई गई है प्रभु को, किसी भी रूप में, किसी भी देवी देवता के रूप में। इसलिए इनका प्रभाव होता ही होता है। शर्त वही है कि आस्था हो, लगन हो और इसके प्रति जागरूकता हो। और ये अपना प्रारब्ध है कि अगर कहीं गुरु कृपा मिल गई सौभाग्य से, बस फिर तुम्हारी ना रहे। इन मंत्रों में जाइए, इनको मनन कीजिए, इनका गुणन कीजिए, और अपनाने से पहले इनके सार सत्य को जरूर समझिए कि इनके पीछे क्या लुप्त सुप्त और गुप्त सार सत्य छिपा हुआ है। इसके बाद में इस विधा में बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। प्रभु सदैव अच्छा कर्म करने वाले के लिए, निस्वार्थ कर्म करने वाले के लिए सदैव साथ है। आगे बढ़े।